स्कूल में हंगामा हो रहा है, यहाँ पहुँचे लोग खासे नाराज दिख रहे हैं। तू तू मैं हो रही है, लोगों और शिक्षिका में कहासुनी हो रही है। इस हंगामे की वजह है स्कूल में नमाज अदा करना। जी हाँ, आरोप है कि स्कूल में नमाज अदा की गई है। इसको लेकर विवाद इतना बड़ा कि लोग स्कूल में ही हंगामा करने पहुँच गए। ये स्कूल कहाँ का है और ये लोग कौन है, वो जानने से पहले यहाँ किस तरह से हंगामा हो रहा है वो देखिए। नहीं, दरअसल ये पूरा वाक्या राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज का है, जहां नेपियर रोड कॉलोनी में बने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान छात्र छात्राओं ने नमाज पढ़ी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते ही बवाल मच गया। क्षेत्रीय पार्षद, विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक और नगर अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान काफी देर तक स्कूल टीचर के साथ बहस होती रही। जब ये मामला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार के संज्ञान में आया तो स्कूल इंचार्ज मीरा यादव को निलंबित कर दिया गया। साथ ही जांच के बाद सहायक अध्यापिका और शिक्षा मित्र के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। जैसा कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से इसकी जानकारी हमें हो पाई है, और जैसे जानकारी हुई हमने जो है अपने बीओ को वहां पर भेज करके विद्यालय में जो एक्टिविटी हो रही थी हमने कहा उसकी जांच पड़ताल करके आप हमें अवगत कराएं, जिससे कि शासन को अवगत कराया जा सके। बीओ वहां पर गए, उसकी रिपोर्टिंग किए वहां पर, और जो एक्टिविटी मीडिया में माध्यम से जानकारी हुई थी वह स्टाफ के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी वहाँ उसकी पुष्टि हुई है। लिहाजा वहाँ की जो हेड इंचार्ज थी मीरा यादव को जो है तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, और शेष जो शिक्षा मित्र और जो एक सहायक अध्यापिका हैं उनको भी प्रतिकूल प्रविष्टि देने पर सहमति बनी है। और यही चूँकि ऐसी एक्टिविटी जो है विद्यालय परिसर में नहीं होनी चाहिए और शासन और उसके मनसा के विपरीत एक्टिविटी की गई है, इसके तहत यह कार्रवाई किया गया है। सर, जांच में क्या कुछ पता चला कि जांच में बीओ ने अपने जो प्रथम रिपोर्ट अंकित किया है उसमें यह बताया है कि अध्यापकों के द्वारा चूँकि विभाग को अवगत नहीं कराया गया है और पहले से निर्देश है कि विद्यालय परिसर में शैक्षणिक क्रियाकलापों के अलावा और कोई भी एक्टिविटी जो है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो अध्यापकों के द्वारा जानबूझ करके इस क्रिया को किया गया जिससे यह एक्शन लिया गया है। बता दें कि छात्र छात्राओं के साथ और भी लोग हैं जो नमाज पढ़ते वीडियो में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वायरल वीडियो कब का है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।